पीढ़ियां एक लोकसभा क्षेत्र में 60 सालों से अपना नेतृत्व दे रही है और उन 4-5 पीढ़ियों ने एक लोकसभा क्षेत्र में क्या किया, आज कुछ ही शब्दों में उसका वर्णन करने आपके मध्य में आई। मुझे याद है जब 2014 का चुनाव लड़ने गई तो एक वरिष्ठ नागरिक अपने पोते के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय देखने आए। मैंने उनको नमस्कार करके पूछा कि आप भाजपा का कार्यालय देखने आए हैं, भाजपा के कार्यकर्ता आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। उस वरिष्ठ नागरिक ने कहा, मैं मात्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और कार्यालय को अपने पोते को दिखाने लाया हूं। जिस गांधी परिवार के साथ एक लोकसभा क्षेत्र में लोगों का 60-70 साल का नाता है, वो लोग जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए तब मैंने पूछा, ऐसा क्या है जो आपको खींचकर भाजपा की ओर ले आया। उस वरिष्ठ नागरिक ने कहा कि बेटा, जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी पंडित नेहरू का भाषण सुनने ले गए थे। नेहरू जी ने भाषण दिया था, ऊंचाहार नाम की एक जगह है, ऊंचाहार से अमेठी रेल की पटरी आएगी अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे। मेरे पिताजी ने वोट दिया इस उम्मीद में कि वो रेल की पटरी आएगी। मैंने कहा, बाबूजी आई? उन्होंने कहा, कांग्रेस तो आ गई लेकिन रेल की पटरी नहीं आई। उन्होंने कहा, जब मेरी शादी हुई तो मैं अपनी पत्नी के साथ इंदिरा गांधी का भाषण सुनने गया। इंदिरा गांधी ने भी भाषण में अपने कहा कि ऊंचाहार से अमेठी रेल आएगी, कांग्रेस को वोट दो। मैंने कहा, बाबूजी रेल आई? कहते नहीं, इंदिरा आई लेकिन रेल नहीं आई। फिर उनकी घर में जब चिराग आया, बेटा आया, तो उसको लेकर वो राजीव गांधी का भाषण सुनने गए। राजीव जी ने भी वही वादा किया कि रेल आएगी, बस कांग्रेस को वोट दो। लेकिन रेल नहीं आई। और उस दिन जब वो वरिष्ठ नागरिक मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि आज मैं अपने पोते को राहुल का भाषण सुनाकर आ रहा हूं। उसने भी अपने दादे परदादे की तरह वादा किया कि ऊंचाहार से अमेठी तक ट्रेन आएगी, बस कांग्रेस को वोट दो। मैंने कहा, चाचा, 4 पीढ़ियों ने एक ही भाषण सुन लिया, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में क्यों आए? उन्होंने कहा, मैं अपने पोते से कहने आया हूं कि भाषण वो देते रहे हैं लेकिन रेल तब आएगी जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बनेगा। और वही हुआ, 60 सालों में एक रेल की पटरी नहीं पहुंची और रेलवे लाइन का काम तब शुरू हुआ जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। ये बात आज मैं कार्यकर्ताओं के मध्य में इसलिए कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी का परचम, जिस संगठन शक्ति का प्रदर्शन आज आप इस कार्यक्रम में कर रहे हैं, वो एक दिन का संघर्ष, एक दिन का परिश्रम नहीं है, वो वर्षों का अथक प्रयास है जो आज हमें केंद्र में एक सरकार देता है। लेकिन वो प्रयास तब तक नहीं थमना चाहिए जब तक कर्नाटक की धरती पर हर कोने में कमल का फूल नहीं खिलता है।